सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ तुषार, एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। देखेंगे फाइब्रॉइड्स होती क्या है, ये किस में पॉसिबल है, ठीक है, इसकी ग्रोथ कैसे होती है, इसकी लोकेशंस क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, आपको क्या सिम्टम्स दिखेंगे इसमें, एंड इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सर हम सब कुछ कवर करेंगे, एंड मैंने ट्राई किया कि सारा कुछ एक पेज में आ जाए, सिंगल पेज में, ताकि जब आप अपना रिविजन करें एग्जाम से पहले, तब आपको सारी पॉइंट्स एक साथ मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है यूट्राइन फाइब्रॉइड की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूट्रस दिख रहा है, एंड इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ये जो मैंने येलो से बना रखे हैं, ठीक है, ये फाइब्रॉइड्स हैं। पर पहले देख लेते हैं कि फाइब्रॉइड की डेफिनेशन क्या है पहले। ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। तो इसमें क्या बोला है कि फाइब्रॉइड इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर तो मतलब इट इज़ नॉन कैंसरस। ठीक है, तो ये इसमें कैंसर की कोई वो नहीं होता, मतलब आपको डरना नहीं है कि अगर आपको, अगर किसी ने, डॉक्टर ने बता दिया कि आपकी इन्वेस्टिगेशन करके कि आपके उसमें फाइब्रॉइड है या एक ट्यूमर है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, विच इज़ नॉन कैंसरस। नाउ दिस ट्यूमर इज कम्पोज ऑफ स्मूथ मसल्स एंड फाइबर्स कनेक्टिव, ठीक है, टिश्यूज़। ठीक है, इसमें क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं और फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं उसका, ये एकदम ऐसा मतलब गुच्छा टाइप बन जाता है, बॉल टाइप बन जाता है। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड यूट्राइन लायोमायोमा। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और यूट्राइन लायो मायोमा या मायोमा भी बोल सकते हैं इसको, या हम इसको एक और वर्ड से यूज़ कर सकते हैं, फाइब्रोमायोमा। ठीक है, तो इसको हम यूट्राइन लायोमा, आपके मायोमा, या आपको इसको एक और फाइब्रोमायोमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि इसमें इंक्रीज्ड रिस्क किस किस को होता है, मतलब इनमें पॉसिबल है कि ये ज़्यादा हो। तो एक में जो नली पैरिटी, नली पैरिटी मतलब जिसका अब तक कोई बेबी नहीं हुआ है। ठीक है, नली पैरिस और मल्टी पैरिस होते हैं ना दो, तो नली पैरिस मतलब इसमें अभी एक भी उसको बेबी नहीं हुआ है, नो प्रेगनेंसी टिल नाउ। उसके बाद जो ओबेस पर्सन होते हैं उनमें ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसकी। ठीक है, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट, ना हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट मतलब जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बड़ा है, एंड वो कब होता है, जब आप प्रेगनेंसी की तरह टाइम पे होते हो, तो मैं क्या होता है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। ब्लैक वुमेन जो रेस है, ब्लैक रेस, तो उसमें ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें ये फाइब्रॉइड्स मतलब हो सकता है, एंड अगर फैमिली हिस्ट्री है तब भी हो सकता है, एंड अगर आपके उसमें हाई फैट डाइट है, ठीक है, आपकी डाइट में हाई फैट कंटेंट है, तो उसमें भी रिस्क इसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने इंक्रीज्ड रिस्क भी देख लिया इसका। उसके बाद देखते हैं इसकी पॉसिबल कॉजेज़ क्या है। ठीक है, एज सच कोई ऐसा हमें कॉज इसका डायरेक्ट नहीं पता कि हाँ भाई ये कॉज है तो ये होना ही होना है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली बोल सकते हैं इसको, मतलब कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मिलिटी। ठीक है, आपकी जो 6 नंबर क्रोमोजोम है, ये 7 नंबर क्रोमोजोम है, इसमें क्या होता है कि रीअरेंजमेंट हो जाए, या इनमें आपको कोई डिलीटेशन हो गया, तो इससे क्या होता है कि जो सेल की ग्रोथ है वो अनकंट्रोलेबली बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न हो गया, एंड ऑल्सो जब पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, आपकी जो भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं अगर उनकी रिलीज ज़्यादा हो गई, ठीक है, क्योंकि इसको तो देखो एक तो एस्ट्रोजन चाहिए, और एस्ट्रोजन के समय ये ज़्यादा ग्रोथ इसकी हो भी जाती है, तो ऐसे ही जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और आपकी जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हो गया, आपका एपिडर्मल ग्रोथ ग्रोथ फैक्टर हो गया, तो इन सब फैक्टर से इसका इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्लियर, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो ग्रोथ फैक्टर है, मतलब जो इसका ग्रोथ हो रही है आपकी फाइब्रॉइड की, तो ये मेन कब होती है। एक तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज़ अ एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर। ठीक है, मतलब जितना एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ेगा ट्यूमर का साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, ग्रोथ इंक्रीज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय इंक्रीज होगा इसका ग्रोथ, क्यों, क्योंकि इसका आपका एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है उस समय बॉडी में। फिर इट डज नॉट अकर बिफोर मेनार्क। ठीक है, मेनार्क मतलब जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता है, तो उससे पहले ये बिल्कुल अकर नहीं होता, एंड ऑल्सो इट्स ग्रोथ सीजेज आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है, एंड जैसे ही आप मेनोपॉज के कंडीशन में आते हैं, जब आपका मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है फीमेल्स में, उसमें इसकी भी जो ग्रोथ है फाइब्रॉइड की वो बंद हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यह इट इज़ ए एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर, और अराउंड इसकी जो एज ग्रुप है, आप मान के चलो 30 से 45 के बीच में इसमें मोस्ट कॉमन केसेस मिलते हैं फाइब्रॉइड के। क्लियर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोकेशन की, एंड फाइब्रॉइड लोकेशन में मतलब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो इसमें हम लोग टाइप्स के लोकेशन के हिसाब से 3 जगह बोल सकते हैं। ठीक है, मेन जो हो लोकेशन के हिसाब से बोल सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी लोकेशन होती हैं, लेकिन जो 3 मेन कॉमन लोकेशन हैं, दैट इज़ आपकी सब म्यूकस, सब सीरस और इंट्रा म्यूरल। उसका मतलब क्या है, देखो जब आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि भाई जो आपकी यूट्रस होती है, इसके 3 वॉल्स होते हैं। सबसे बाहर वाली वॉल होती है आपकी पेरीमेट्रियम, फिर बीच में मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। तो अगर आपके पेरीमेट्रियम में, मतलब सबसे आपके बाहर वाली लेयर पे हो रहा है, तो पेरीमेट्रियम में हम क्या बोलेंगे, आपका सब सिरस। ठीक है, वैसे ही अगर आपके आपका जो बीच वाली लेयर है, ठीक है, उसमें हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा म्यूरल।
और आपकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है जो एंडोमेट्रियम बोलते हैं इसे, उसमें हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सब म्यूकस फाइब्रॉइड। क्लियर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सब म्यूकस के बारे में। तो सब म्यूकस में क्या है कि इट प्रोजेक्ट्स इन टू द यूट्राइन कैविटी, ठीक है, समटाइम्स पेंडिकुलेटेड एंड मोस्ट लाइकली टू कॉज सिम्टम्स। अब देखो इसका मतलब समझो पहले क्या है। देखो ये तो आपका यूट्रस है ना, इसमें क्या होता है मोस्टली आपकी जो फाइब्रॉइड होते हैं ना, पहले वो मिडल लेयर में होते हैं, ठीक है। आपकी जो मिडल वाली है, मतलब एक तो ये पेरीमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका इंट्रा म्यूरल, जो हमने आप देखा था ना, इसको इंट्रा म्यूरल बोलते हैं। तो पहले कंडीशन तो होती है कि वो यहाँ पे होगा। अब वो धीरे से खिसक खिसक के या तो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा। अगर अंदर की तरफ गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा, ये अपना सब म्यूकोसल, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है, ठीक है, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। तो नंबर 3 क्या दिख रहा है आपको, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड यहाँ पे। तो ये पहले अंदर रहा होगा नंबर 2, जैसे नंबर 2 क्या है आपका, इंट्रा म्यूरल फाइब्रॉइड। तो अब अंदर से ना या तो वो बाहर की तरफ जाएगा या तो अंदर की तरफ जाएगा। तो जैसे 3 वाला है अंदर की तरफ चला गया है और 4 वाला अंदर की तरफ जाके एकदम से लटक रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 वाला क्या है आपका, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। और आपको जो 4th वाला है, दैट इज क्या है, पेडिंकुलेटेड सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। पेडिंकुलेटेड क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लटक रहा है, ठीक है, एक स्टॉक से। तो बस यही दोनों में फ़र्क है। क्लियर। तो हम पहले देख लेते हैं कि सब म्यूकोसल क्या बोल रहा है। सब म्यूकोसल में ये बोल रहा है कि इट प्रोजेक्ट्स इन टू द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। हमें दिख रहा है कि हाँ ये अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है 3 और 4। उसके बाद क्या लिखा है, इट्स समटाइम्स पेडिंकुलेटेड, ठीक है। हमें ये 4th वाला दिख रहा है, इट इज़ पेडिंकुलेटेड, मतलब ये लटक रहा है एक स्टॉक से, ठीक है। एंड इट मोस्ट लाइकली टू कॉज सिम्टम्स, ठीक है। आगे हम देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं, पर जो ये अंदर वाला होता है ना, जिसको हम सब म्यूकोसल बोलते हैं, इसी में आपको सबसे ज़्यादा सिम्टम्स मिलेंगे कि हाँ आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है। तो वो किसी वजह से पता चलता है, आपका अगर सब म्यूकोसल हो। अगर बाहर हो रहा है तो हमें इतना नहीं पता चलता, ठीक है, पर अगर अंदर हो तो हमें जल्दी पता चल जाता है कि भाई आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें आगे, नेक्स्ट आपका सब सीरस। अब सब सीरस मतलब आपके जो बाहर की लेयर पे चला गया, ठीक है। अब बाहर हमें कौन कौन दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ये, ठीक है, ये दोनों 1 ही है, 1 है आपका जो 6th वाला है, ठीक है, ये भी लग रहा है कि बाहर की तरफ है, पर अभी मेन हम इस पे 1 पे फोकस करते हैं, जिसको हमने लिखा है सब सीरोसल फाइब्रॉइड। तो इसमें क्या होता है कि इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द यूट्रस इन टू द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। क्योंकि देखो बाहर है यूट्रस के, तो ये पेरिटोनियल कैविटीज के ऊपर होगी ना, एक जैसे पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है, एक छोटी सी प्लास्टिक कवरिंग होती है हर ऑर्गन के ऊपर आगे पीछे, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ चलेगा, किस पे, पेरिटोनियल कैविटी पे, ठीक है। इट्स समटाइम पेडिंकुलेटेड, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये 1 वाला है, ये ऊपर वाला, तो ये पेडिंकुलेटेड है ना, स्टॉक से कनेक्टेड है, मतलब लटका हुआ है, एंड ये तो अंदर से बाहर निकल रहा है, ठीक है, पर अब आउटर सरफेस पे। तो ये भी दोनों क्या है, सब केसेस क्या है, ये सब सीरोसल है। एंड अगर आप और इसको डिटेल में पढ़ो तो ये क्या है, ये पेडिंकुलेटेड सब सीरोसल फाइब्रॉइड है और ये सब सीरोसल फाइब्रॉइड है, ठीक है। एंड इट इज़ लीस्ट लाइकली टू कॉज एनी सिम्टम्स, ठीक है। इसमें आपको सिम्टम्स नहीं आते इतने जल्दी। हाँ अगर ये साइज में इतना बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा, तब तो आपको सिम्टम्स पता चलने लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको फाइब्रॉइड भी हो रखा है। क्लियर। एंड इसमें जो लास्ट वाला है, दैट इज द इंट्रा म्यूरल। अब इंट्रा म्यूरल मैंने सबसे पहले ही बताया कि जो मिडल लेयर में होता है आपके प्रेजेंट, जिससे नंबर 2 है। तो इसमें क्या बोला है, इट्स मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली पहले यही प्रेजेंट होता है, इसके बाद ये आगे मतलब अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा। क्लियर। इट्स यूजली मल्टीपल, ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं, छोटे बड़े ऐसे, एंड सम आर पुश्ड आउटसाइड, ठीक है, आउटवर्ड, एंड सम आर पुश्ड इनवर्ड, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये 3 टाइप्स के हो गए कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इसके और सारे टाइप्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। अब जैसे इसमें देखो, मैंने ऐसे करूँ, हाँ आपको यहाँ पे दिख रहा है सब सीरोसल फाइब्रॉइड, हमने बात कर ली, इंट्रामूरल की हमने बात कर ली, जो नंबर 2 है, नंबर 3 है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, ठीक है, ये वाला, एंड नंबर 4 क्या है, पेडिंकुलेटेड सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड, एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें पेडिंकुलेटेड हो गया, मतलब ये लटक रहा है बस, ठीक है। अब 5th वाला क्या है आपके पास, यहाँ पे 5th है ये वाला, ठीक है। अब ये क्या है, पेडिंकुलेटेड सर्वाइकल फाइब्रॉइड है, तो ये ऊपर से आ रहा है, लेकिन एक बड़ी सी स्टॉक है इसमें, मतलब एक जैसे लटक रहा है, लेकिन किसके, एक स्टॉक के सहारे, यानी कहाँ पे आ गया, आपके सर्विक्स वाले पोर्शन में आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, पेडिंकुलेटेड सर्वाइकल फाइब्रॉइड, ठीक है इसी जैसा ही वो, ठीक है। नेक्स्ट आया है आपका 6th नंबर पर। अब 6th नंबर पर क्या आता है, आपने जब यूट्रस पढ़ी थी कभी, तो आपने आपको पता होगा जो उसके लिगामेंट्स होते हैं, तो एक जो आपको ये दिख रहा है ऐसे, दिस इज द क्या है, ब्रॉड लिगामेंट है, विच इज़ द टाइप ऑफ आपका पेरिटोनियम है। तो ये क्या करता है, कभी कभी ऐसा अंदर से पुश होकर बाहर की तरफ आता है कि आपके तो दोनों लेयर्स है ना, आपकी दोनों लेयर्स की, इसकी ब्रॉड लिगामेंट के आगे से पीछे से, तो उसके बीच में ऐसा 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 हो जाता है, ठीक है, पर अभी भी यूट्रस से जुड़ा हुआ है, पर ऐसे दोनों के बीच में सैंडविच हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड, या इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फाइब्रॉइड। क्लियर। एंड सबसे लास्ट है 7th वाला।
अगर वो इस स्टॉक से हट गया, जैसे ये बीच में जुड़ा हुआ है ना यूट्रस से, और यहाँ से कट के वो अलग ही घूम रहा है फिर, अब तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वांडरिंग और पैरासाइटिक फाइब्रॉइड। एंड इसको आपकी जो लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट्स है या इसके और पेरिटोनियम लेयर है, वहाँ से ओमेंटम है, मेसेंटरी है, तो वहाँ से उसका न्यूट्रिशन मिलती है, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वांडरिंग मतलब जो घूम रहा है अपना, या उसको पैरासाइटिक फाइब्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइप्स के फाइब्रॉइड आपने देख लिए कहाँ कहाँ पे होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एंड इसका एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, यूट्रिन फाइब्रॉइड को हमने पहले क्लासिफाई कैसे किया, या तो बॉडी में हो रहा है या तो आपकी सर्विक्स में हो रहा है, क्लियर। अगर बॉडी में हो रहा है तो इसके आप तीन टाइप्स बोल सकते हो, जैसे कि हमने देखा क्या क्या, एक सेकंड जूम कर लूँ, ठीक है। क्या है आपका, ये तो इंटर म्यूरल जो हमने यहाँ पे देखा था ना, इंटर म्यूरल, ठीक है, या इसको हम इंटरस्टिशियल भी बोल सकते हैं, एंड इट इज मोस्ट कॉमन, तो 75% केस में यही होगा। इसके बाद वो अंदर गया या बाहर गया हम देखेंगे, अगर वो बाहर की तरफ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब सीरस, जो कितना होता है 15%, और लास्ट आपका सब म्यूकोसल जो है 5%, ठीक है। अब आपका जो सब सीरस है, ठीक है, जो बाहर की तरफ हो रहा है, इसके भी हम लोग बोल सकते हैं या तो सब सीरस हो गया, जो नॉर्मल आपका सब सीरस है भाई, नंबर ये जो नंबर वन है, एक हो गया ब्रॉड लिगामेंट पे जो चला गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फॉल्स फाइब्रॉइड, सिक्स वाला, ठीक है, अभी भी जुड़ा है लेकिन यूट्रस से, और अगर अलग ही हो गया एकदम सेवन नंबर जैसा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वॉन्ड्रिंग फाइब्रॉइड या पैरासाइटिक फाइब्रॉइड, ठीक है। तो ये किसके टाइप है आपके, सब सीरस के टाइप है तीन। आपकी जो सब म्यूकस है इसके भी दो टाइप हो सकते हैं, सेसाइल, ठीक है, सेसाइल मतलब जो एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है, जैसे ये वाला है नंबर थ्री, एक जगह पे रुका हुआ है, और एकदम अगर वो लटकने लग गया जैसे फोर है या फाइव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पेडिंकुलेटेड मतलब जिसको पॉलिप शेप का है, तो पेडिंकुलेटेड फाइब्रॉइड हो गया। तो ये किसके टाइप है, सब म्यूकस के टाइप है, ठीक है। एंड अगर वो सर्विक्स में हो रहा है, आपके सर्वाइकल रीजन पे हो रहा है, जो बहुत रेयर है, 1-2% में ही होता है केसेस में, तो उसमें भी वो कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, या तो एंटीरियर वॉल पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट है, एकदम सेंट्रली लोकेटेड है बीच में एकदम, या आपके जो दोनों लेटरल वॉल्स होते हैं उस पर प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे चार टाइप्स के हो जाते हैं, क्लियर। तो ये टेबल, अब तो आप ये टेबल भी बना सकते हैं एग्जाम में, क्लियर। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख रहा है कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि साइज़ क्या बोलते हैं, जैसे अगर स्मॉल फाइब्रॉइड है तो इट इज़ लेस देन 1-5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, मतलब एक जो पी होता है, ठीक है, आपका मटर का दाना, ठीक है, उसके और चेरी के मतलब साइज के अगर बीच में है या उसके उतना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए स्मॉल फाइब्रॉइड। मीडियम फाइब्रॉइड का बोलेंगे जब उसके डायमीटर कितना होगा, 5-10 सेंटीमीटर, एंड इट इज़ लाइक प्लम टू या लार्ज ऑरेंज तक, जो साइज आप कंपेयर कर सकते हो उसके। एंड जो आपकी लार्ज फाइब्रॉइड है, ठीक है, ये अगर 10 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए लार्ज फाइब्रॉइड। आपने जो ग्रेप फ्रूट देखा होगा, इसको हम जो हम लोग तो वैसे चकोतरा बोलते हैं, अपने आप क्या बोलते होंगे, तो उसे उतना साइज का मतलब बड़ा साइज, इतना बड़ा साइज का जो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए लार्ज फाइब्रॉइड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। हम जैसे बोला था ना कि आपकी जो सब म्यूकोसल है जो अंदर प्रेजेंट है यूट्रस के, वो उसमें बहुत सिम्टम्स मिलते हैं, तो क्या सिम्टम्स मिलते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो सिम्टम्स में, यहाँ पे मैंने लिखा कि ए सिम्टोमेटिक मेजॉरिटी, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको आपका फाइब्रॉइड है, ठीक है, तो मेजॉरिटी 75% में पता ही नहीं चलता। अब जो अगर पता भी चल गया तो उसमें क्या हो गया, मेनोरेजिया, मेनोरेजिया मतलब जिसमें हैवी ब्लीडिंग हो रही है उसे, ठीक है, ये हो सकता है। मेट्रोरेजिया मतलब उसको इररेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। डिसमेनोरिया काफ़ी पेनफुल अगर मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो उसको डिसमेनोरिया बोलते हैं। सब फर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी मतलब एक मतलब इनफर्टिलिटी समझ लो, क्यों, क्योंकि देखो अगर अंदर की तरफ ये फाइब्रॉइड हो गए, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया और बहुत सारे हो गए, तो भाई आपका जो बेबी है जब वो बॉर्न मतलब जब वो होता है इम्प्लांटेशन होता है, वो कहाँ पे होगा, नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होता है कि इनफर्टिलिटी आ जाती है, या इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरा रोक ही दिया यहाँ पे, तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, पूरा पाथवे अगर ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सब फर्टिलिटी, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में हो गया तो वो भी ब्लॉक हो गया, मतलब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिससे इनफर्टिलिटी हो जाए। उसके बाद क्या है, प्रेशर सिम्टम्स आपको देखना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रेशर सिम्टम्स मतलब अगर देखो वो पीछे की तरफ हो गया, तो पीछे की तरफ क्या होता है, आपके यूट्रस के पीछे की तरफ क्या होता है, आपके रेक्टम होता है और आगे यूरिनरी ब्लैडर होती है। अगर वो पीछे की तरफ हुआ तो आपके रेक्टम में आपको प्रेशर दिखाई देगा, जिससे क्या हो सकता है, आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। आगे की तरफ हुआ तो आपका ब्लैडर में आपके वो स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रेशर सिम्टम्स बोलते हैं उसको, कि उस जगह प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है उस फाइब्रॉइड का, ठीक है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जैसे हमने बोला कि सब फर्टिलिटी एक ही चीज़ है ये, ठीक है। आपके लोअर एब्डोमेन में काफ़ी पेन होगा और आपका एब्डोमिनल इनलार्जमेंट मिलेगा, मतलब ठीक है काफ़ी बड़ा दिखेगा। तो ये सब सिम्टम्स हैं किसके, आपके यूट्राइन फाइब्रॉइड के। इसमें आप इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं, आप इसमें करा सकते हैं USG करा सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, आप MRI करा सकते हैं, ठीक
तो लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी मतलब जैसे क्या, स्कोपी मतलब आप अंदर जहाँ के देख रहे हो उसके, कैसे एक ट्यूब डाल के जिसमें लाइट होता है, कैमरा होता है, एंड आप वहाँ से देखते हैं कि ठीक है अंदर का कैसा सरफेस है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब आप इसको किस किस से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है आप मतलब किससे आप वो हो सकते हैं कि ठीक है ये तो नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा बल्ज आउट हो गया तो आपको ये आप इससे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी है या फाइब्रॉइड है इतना बड़ा, ठीक है फुल ब्लैडर, ठीक है हमेशा उसका लगेगा कि फुल ब्लैडर हो रखा है, जबकि वो ऐसा नहीं है क्योंकि पीछे से वो पुश कर रहा है, ठीक है फाइब्रॉइड, तो आपको ऐसा लगेगा कि फुल ब्लैडर हो रखा है इसका। ओवेरियन ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है और एडिनोमाइसिस भी हो सकता है, तो ये इन सबसे कन्फ्यूज हो सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोल सकते हैं इसका। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट की, इसका मैनेज कैसे करेंगे इसे, ठीक है तो या तो आप मेडिसिन देके करो मैनेज, ठीक है जिसमें आप आपकी जो एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग्स होती हैं, ठीक है जैसे आपकी माइफ्रिस्टोन हो गई ये सब, ठीक है तो आप इससे कर सकते हैं। आपकी जी जो जी एन आर आर एच में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों इसमें काम करते हैं, किसमें फाइब्रॉइड का साइज छोटा करने में, तो ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। एंड ये मोस्टली काम आता है जब आपका जो फाइब्रॉइड स्मॉल हो, ठीक है स्मॉल टू मीडियम हो, अगर वो बड़ा फाइब्रॉइड हो गया तब उसमें क्या करोगे, और अगर बड़ा फाइब्रॉइड हुआ या वो फाइब्रॉइड अंदर है मतलब सब म्यूकोसल है जिसमें ज़्यादा दिक्कत होती है ब्लीडिंग की, तो उसके हम क्या कर सकते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्या एक तो होता है मायोमेक्टोमी, मायोमेक्टोमी मतलब आपने वो जो फाइब्रॉइड वाला पार्ट है आपने डायरेक्ट वही उसे निकाल दिया, ठीक है पूरे यूट्रस निकाला नहीं आपने, सिर्फ आपने वो फाइब्रॉइड निकाला, तो वो आप लैप्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं या हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी वही कि आपने एब्डोमेन पे एक हल्का सा एक इंसिजन किया, वहाँ से आपने ट्यूब डाली एंड आपने देखा वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब लैप्रोस्कोपी से आपको पता चलेगा कि यूट्रस के वो आसपास किधर है, मतलब मोस्टली आपके जो सब सिरस वाले हैं कि यहाँ पे है कहीं भाई यहाँ पे है हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है कहीं यहाँ पे हो गया, कहीं पे भी हो गया बाहर की तरफ हो गया यूट्रस के, और जो भी आपके पेल्विक ऑर्गन्स हैं तो उसके लिए तो आप लेप्रोस्कोपी करेंगे। एंड हिस्टेरोस्कोपी मतलब आपने एक इंसिजन यहाँ पे यूट्रस पे लगाया, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि अंदर कहाँ पे है, तो उसको हिस्टेरोस्कोपी बोलते हैं। क्लियर, तो ये तो प्रोसेस हो गया मायोमेक्टोमी का। उसके बाद एक आता है प्रोसेस कि आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलिज्म, इसका मतलब क्या होता है, या इसको आप लोग कुछ लोग बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो जहाँ पे उसको ब्लड सप्लाई मिल रही है ना उस यूट्रस को, तो फाइब्रॉइड को भी मिल रही होगी, तो आपने वो ब्लॉक करना है। वो जैसे आप ब्लॉक करेंगे कुछ प्रोसीजर्स से थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि उसका साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा फाइब्रॉइड को, तो वो भी एकदम डिक्रीज हो जाएगा साइज में और छोटा होकर डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर मतलब कम हो जाएगा समझ लो, फिर आप उसको आराम से वो फिर दिक्कत नहीं देगा या उसको बाद में निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है आपका हिस्टेरेक्टोमी कि आपने पूरा यूट्रस ही निकाल दिया, ठीक है एंड ये बहुत कॉमन प्रोसीजर हो गया आजकल तो, कि वो पूरा यूट्रस से उसको निकाल देते हैं, ठीक है तो इससे आपका 100% चांसेस हो जाते हैं कि अब आपको फाइब्रॉइड नहीं होगा, पर एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप फिर चाइल्ड बियरिंग नहीं कर सकते, ठीक है तो ये हिस्टेरेक्टोमी है। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक छोटा सा, दैट इज़ अ सर्वाइकल फाइब्रॉइड का, जिसे हमने बोलते हैं कि अगर सर्विक्स में हो गया, ठीक है अगर एंटीरियर सर्विक्स पे हो गया तो क्या होगा ब्लैडर सिम्टम दिखाई देगा, जैसे हमने बात की थी ना आपको प्रेशर सिम्टम्स, ठीक है तो प्रेशर सिम्टम्स में पहला है ब्लैडर सिम्टम क्योंकि आगे की तरफ हो रहा है और आगे की तरफ यूट्रस का क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो उसमें क्या लगेगा लाइक फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन ऑफ यूरिन आपको लगेगा कि भाई या तो यूरिन की बहुत फ्रीक्वेंसी बार बार आ रही है या यूरिन रिटेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको वो सिम्टम दिखाई देगा। अगर वो पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे हो रहा है आपके सर्विक्स पे, ठीक है तो उसमें क्या होगा आपको रेक्टल सिम्टम्स दिखाई देंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन दिखाई देगा। क्लियर, एंड अगर लेटरल दोनों आपकी लेटरल वॉल्स पे हो रहा है, ठीक है ये कहाँ गया, ठीक है यहाँ पे लेटर वॉल्स पे हो रहा है, तो लेटर वॉल्स में आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देगा, आपको वैस्कुलर ऑब्स्ट्रिक्शन दिखाई देगा एंड इट मे लीड टू आपके हेमोरॉइड्स, ठीक है आपके पाइल्स हो गया, ठीक है आपके एडिमा इन लेग्स, ये सब आपको इसमें दिख सकता है किसमें लेटरल सर्वाइकल फाइब्रॉइड में। एंड अगर वो सेंट्रली है बहुत बड़ा सर्वाइकल हो गया सेंट्रल लोकेटेड, तो इसमें क्या होगा आपको ब्लैडर सिम्टम्स तो दिखाई देगा, ठीक है एंड जो सर्विक्स है वो जैसे बीच में हमने बैलून फुला लिया, जैसे अगर ये फाइव वाला समझो, ये फाइव वाला इतना बड़ा हो गया, ठीक है तो ये सब जगह से एक्सपेंड हो जाएगा ना, तो वही लिखा है, ठीक है एंड इसमें क्या हो जाता है कि इतना बड़ा हो जाता है कभी कभी कि फिर यूट्रस है जो ऊपर वाला पार्ट है वो छोटा लिखने लग जाता है इसके सामने, तो यूट्रस सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द एक्सपेंडेड सर्विक्स, मतलब इतना बड़ा हो गया ये कि ये पूरा इतना बड़ा हो गया कि यूट्रस अब इसके ऊपर बैठ रहा है, ठीक है समझ गए। तो बस यही था आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है एंड काफ़ी मैंने कोशिश की कि आपके जो सारे टॉपिक्स हैं ना उसको कवर करके चलें ताकि आपको सबका आइडिया हो अच्छे से कि भाई हाँ क्या क्या है इसके बारे में। एंड इसकी जो फोटो है
ठीक है, वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसे से रिवाइज़ कर सकते हैं ये चीज़ें। एंड बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कुछ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो या शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है, हम बहुत पास हैं 50,000 सब्सक्राइबर की, तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।